हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पे। आज कैश फ्लो का सेकंड पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने लास्ट स्टार्ट किया था, चैप्टर्स नेम इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, इसका तो थर्ड पार्ट आएगा ही आएगा, प्लस इसके साथ जो है रेशो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100, कितने 100 100 MCQs जो है मैं आपको रेशियो एनालिसिस के पार्ट 7 में दूंगा। अभी नेक्स्ट सॉरी थोड़ा सा बड़ा होगा वो पार्ट, ठीक है, लेकिन पार्ट 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 में से आप गारंटेड 2-3 तो मिल ही जाएंगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट टाइम भी दी थी अभी भी दूंगा, सीए फाउंडेशन का जो बैच है वो हमारा स्टार्ट होगा 20th दिसंबर से। कब से? 20th दिसंबर 2019, ठीक है। 2019 जो है 20th दिसंबर में इसका जो है सीए का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, सीए फाउंडेशन का। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, मेरे इस नंबर पे मैसेज करना है 9877043033, और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको साथ ही सीए फाउंडेशन के ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इस ग्रुप में जो है आपको हर तरह की अपडेट जो है वो दी जाएगी, सारे सिलेबस जो है डिस्कस किए जाएंगे, और साथ में हर रोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। अगर आप 12th जो है 12th क्लास में अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये भी जो है फायदा देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्लास 11th वाले बच्चे भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और सीए फाउंडेशन वाले बच्चे तो जरूर ज्वाइन होंगे ही होंगे। ठीक है जी, तो इस नंबर पे मैसेज करके मेरे को आपने बोलना है कि मेरे को ग्रुप में ज्वाइन करो, आई विल इमीडिएटली ज्वाइन यू, हेल्प इन ज्वाइनिंग यू इन द ग्रुप। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 5 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 अभी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये कंसेप्ट है थोड़ा सा, अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी। इनडायरेक्ट मेथड जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट है, ठीक है, वो पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। गारंटी अगर आप उस फॉर्मेट को सही तरीके से समझ लोगे, ठीक है, तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लोस एंड इनफ्लोस एंड आउटफ्लोज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा किया था, अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। अब सबसे पहले जो कैश इनफ्लोज होता है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम फिक्स्ड एसेट की सेल्स और फिक्स्ड एसेट्स की परचेजेस को कंसिडर करेंगे, प्लस फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होंगी वो भी सारी जो है इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एक्टिविटीज ऑफ कैश इनफ्लोज। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कहां से आता है, इफ वी टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो फर्स्ट इज कैश कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कैश कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब हमारे पास जो कैश आता है फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं या इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, सो टेंजिबल का मतलब वो एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, लाइक गुडविल है, ठीक है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ये सारी जो हैं फिक्स्ड एसेट्स हैं लेकिन इंटेंजिबल। ठीक है, ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। नेक्स्ट इज कैश कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, जैसे कि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां से जो हमारे को पैसा आता है सेल करने पे, वो भी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। देन थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट द लोन्स एंड एडवांसेस। अब हमने कोई लोन्स दिए हुए थे या किसी को पैसा एडवांस किया हुआ था, तो अगर हम किसी को लोन देते हैं पैसा, ठीक है, एडवांस करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए देते हैं तो वो, अगर उसकी रीपेमेंट आती है हमारे पास, अगर हम पैसा रिसीव करते हैं, तो वो हमारी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की क्या बनेगी, इनकम। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, अगर आपको इस कंसेप्ट की जो कैश फ्लो के कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ इसकी PDF चाहिए, इसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, नंबर ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, 9877043033, तो इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, वह इसके बाद एक्टिविटीज ऑफ कैश आउटफ्लोज। हम कैश आउटफ्लोज की एक्टिविटीज देखेंगे अब रिगार्डिंग
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कि कहाँ कहाँ पैसा जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है, माइनस होता है। तो नंबर वन, कैश पेमेंट्स फॉर एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक्वायर करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हैं, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। सेकेंड इज कैश पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर सिक्योरिटीज एंड वारंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, कैश पेमेंट जो हम करते हैं शेयर्स को खरीदने पे, सिक्योरिटीज को परचेज करने पे, वारंट्स को परचेज करने पे। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत ही इनमें फर्क होता है। ठीक है, देन कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स एडवांसेस टू द थर्ड पार्टीज। जब हम लोन देते हैं किसी को, ठीक है, ऊपर किया था कि जब लोन दिया हुआ वापस आ जाता है, और यहाँ पे है लोन जब हम क्या करते हैं एडवांस करते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास से पैसा जाता है तो वो भी आउटफ्लो का पार्ट होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसके बाद है सेवन क्वेश्चन, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कंटेक्स्ट में पैसा कब आता है और कब जाता है। सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो, नंबर वन, कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय इशूइंग शेयर्स और सिक्योरिटीज। देखो, जब कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो कंपनी की एक लायबिलिटी बन जाती है, कौन सी लायबिलिटी बन जाती है, परमानेंट। कंपनी की कौन सी लायबिलिटी बन जाती है, परमानेंट लायबिलिटी। लेकिन कंपनी में पैसा जो है वो क्या है, आ रहा है, तो ये इनफ्लो माना जाएगा। देन कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द इशूइंग डिबेंचर्स बॉन्ड्स एक्सेट्रा। जब आपको पैसा बिजनेस में आ रहा है, आप पैसा रिसीव कर रहे हो बाय इशूइंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ये क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, जब डेट कंपनी इशू करती है तब भी पैसा जो है वो आता है। इसके साथ आप एक और चीज कर सकते हो ऐड, बैंक लोन। जब हम बैंक लोन लेते हैं तब भी हमारे पास पैसा आता है। पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी डेट का ही पार्ट होते हैं। जब ये पब्लिक डिपॉजिट जो है हम लेते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है, तब भी बिजनेस में पैसे का इनफ्लो होता है। देन एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो की एक्टिविटीज जो है आउटफ्लो के रिगार्डिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होंगी। कैश पेमेंट मेड फॉर द रिपेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। जो भी पैसा हम बोरो करते हैं, देखो किसी से पैसा आप लोगे तो वापस तो करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली, तो जब हम पैसा रिटर्न करते हैं ना, तो उसके केस में बिजनेस में से कैश का क्या होता है, आउटफ्लो। देन सेकंड पॉइंट इज कैश पेमेंट फॉर द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। जब आप कैश पेमेंट करते हो डिविडेंड्स की शेयर होल्डर्स को, तब भी बिजनेस में से पैसे का क्या होता है, आउटफ्लो। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या होती है, पेमेंट क्या है, आउटफ्लो। ठीक है, इसके अलावा जब आप शेयर्स को, डिबेंचर्स को रिडीम करते हो, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को बायबैक किया जाता है, ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको रिडीम किया जाता है। रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उसके अलावा रिडम्पशंस की भी क्या होती है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स की भी, डिबेंचर्स की भी क्या होती है, रिडम्पशन। ठीक है, तो डिबेंचर्स के केस में भी क्या आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी, सो ये बिजनेस में से पैसे जाने का साइन होता है, इसको हम बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। देन पॉइंट नंबर 8, ट्रीटमेंट ऑफ सम पेक्यूलियर आइटम्स। पेक्यूलियर का मतलब होता है कुछ जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं, कुछ अजीब आइटम्स होती हैं। सो ट्रीटमेंट क्या है इनका, सबसे पहले आती है हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देयर आर द नॉन रेकरिंग आइटम्स विच आर टू बी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड सेपरेटली एज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग टू एक्सप्लेन देयर नेचर एंड इफेक्ट परफेक्टली। क्या है, दीज आर नॉन रेकरिंग आइटम्स। कुछ नॉन रेकरिंग आइटम्स होती हैं जो बार बार नहीं होती, विच आर टू बी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। इनको हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है और डिस्क्लोज करना पड़ता है अलग से, एज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग टू एक्सप्लेन देयर नेचर, ताकि हम उनकी नेचर को एक्सप्लेन कर सकें और इसका इफेक्ट दे सकें सही तरीके से। ठीक है, देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब कंपनी इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करती है, देखो आप लोन लोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, स्पेशल आइटम है। ठीक है, उसके बाद शेयर इशू करोगे, डिविडेंड देना पड़ेगा, ये भी स्पेशल आइटम है। सो ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स शैल डिपेंड ऑन द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज। बिजनेस कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है। ठीक है, सबसे पहले है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जब कंपनी रिसीव करती है या इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, विल बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज दे आर इंकर्ड इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। अब देखो, एक तो ऊपर तो हम जो बात कर रहे थे ना अभी, वो फाइनेंशियल कंपनी की बात नहीं थी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइनेंशियल कंपनी की। देखो फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या होता है, पैसे का लेन देन करना। ठीक है, अब जब आप किसी से पैसा रिसीव करोगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पेमेंट हो जाएगी। अब अगर आप किसी को पैसा लोन पे दोगे, बींग अ फाइनेंशियल कंपनी, बींग अ बैंक,
तो आप जो है इंटरेस्ट रिसीव करोगे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? ऑपरेटिंग। देखो लास्ट ईयर भी जो है क्वेश्चन आया था पेपर में कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रही है या रिसीव कर रही है तो उसकी कौन सी एक्टिविटी में दिखाया जाएगा? उसका आंसर बच्चों ने क्या लिखा था? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बड़े बच्चों ने गलत कर दिया था, बट इसका आंसर सिंपल होगा ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है? फाइनेंशियल नेचर की। तो फाइनेंस का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जो होता है वो क्या होता है? उसका नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। देन डिविडेंड्स हैं, इसके बाद डिविडेंड रिसीव विल बी एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड जो कंपनी रिसीव करती है वो कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग। वेयर एज डिविडेंड पेड विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वो कौन सी एक्टिविटी मानी जाती है कंपनी की? फाइनेंसिंग, ठीक है। जब कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है ना तो वो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है। नहीं, सॉरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कट करके आप लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो आपको डिविडेंड जो है वो कहाँ से रिसीव होगा? जब आपने कहीं पे पैसे की इन्वेस्टमेंट करी होगी, ठीक है। पैसे की इन्वेस्टमेंट अगर करी होगी तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना, वहीं से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर लिए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी अर्निंग होगी वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही ऐड होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसमें डील नहीं कर रहे हो। अगर डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो वो फाइनेंसिंग में से ही माइनस किया जाएगा, ठीक है। देन बिजनेस ऑफरिंग नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। अब कई बार कंपनीज क्या करती हैं? नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। These are classified as financing activity. जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है लोन लेने के ऊपर, डिविडेंड पे करती है शेयर इशू करने के ऊपर, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। देखो ये ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपको चैप्टर की, सारे अपनी चीजें करनी है, ठीक है, तो ब्रीफिंग अच्छे से समझ लेना, आपको सही से समझ में आ जाएगा चैप्टर भी। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, दीज आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये नॉन फाइनेंशियल का है, सॉरी, ये नॉन फाइनेंशियल का, बिल्कुल ठीक है। या अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी है ना, अगर कंपनी फाइनेंशियल है तो यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग ही आएगा, सॉरी, ठीक है। अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही आएगा, और अगर नॉन फाइनेंशियल है तो ये कहाँ पे जाएगा? हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है जी, क्लियर। देन इसके बाद आता है टैक्सेस ऑन इनकम्स एंड गेन्स। आपकी इनकम जो होती है उसको टैक्स भी किया जाता है, ठीक है। टैक्सेस का ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स विल डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब टैक्सेस ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब बिजनेस का प्रॉफिट है, उसके ऊपर जो आप टैक्स पे कर रहे हो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा, मतलब आउटफ्लो आप पे कर रहे हो। टैक्सेस ऑन डिविडेंड पेड, इट इज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। अगर आप टैक्स जो है डिविडेंड के ऊपर पे कर रहे हो तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, और अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हो एसेट्स की सेल पे, सो इसको हम क्या मानेंगे? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, मतलब आउटफ्लो, क्योंकि आप पे कर रहे हो। अगर आप टैक्स एसेट को बेच रहे हो, एसेट को बेचने के ऊपर आपको कोई कमाई हो रही है, इनकम हो रही है, उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करोगे ना वो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से क्या हो जाएगा? माइनस। देन इसके बाद आते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। सो दीज आर द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए ना तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स दोनों ही नहीं चाहिए। देन दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, CFS जिसको मैं बोलता हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर है, ठीक है। अगर आप कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कर ही नहीं रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश अगर इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, तो वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। देन दीज आर डिस्कलोज एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स। हाँ, ऐसी आइटम्स का जो ट्रीटमेंट है कहीं और होता है, क्योंकि हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो करना होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ एसेट बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप एसेट एक्वायर कर रहे हो लेकिन उसके बदले में कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके बदले में क्या इशू कर रहे हो? शेयर्स। स्टॉक एक्वायर्ड बाई द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप स्टॉक एक्वायर कर रहे हो किसी से और बदले में क्या उनको दे रहे हो? इक्विटी शेयर्स। तो ऐसी ट्रांजेक्शन में देखो आपके पास एसेट आ गई लेकिन बिजनेस में से कैश गया नहीं, क्या गए? शेयर्स। आपने स्टॉक एक्वायर कर लिया, एसेट आ गई, बदले में गया क्या बिजनेस में से? इक्विटी शेयर, मतलब कैश ना तो इनफ्लो हुआ है ना ही आउटफ्लो हुआ है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम सेपरेटली डील करेंगे आगे, ठीक है जी। नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो जो है वो कौन से होंगे? कैश कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स और
प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कि कोई कैश कंसिडरेशन आप रिसीव कर रहे हैं फॉर द सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स बेची या कोई प्रोविजन दिया आपने सर्विसेज की इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आप कोई बिजनेस चला रहे हो, जैसे आप कोई वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में क्या चार्ज कर रहे हो, रेंट, तो वो रेंट आपकी ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी. देन कैश रिसीव फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइक इंटरेस्ट कमीशन एटसेट्रा. आप कोई कैश रिसीव कर रहे हो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो या कमीशन रिसीव कर रहे हो, ये सारी मैं आपको बताऊंगा कि इनको हमने किन तरीकों से डील करना है, ठीक है. आउटफ्लो क्या हो सकता है, आउटफ्लो में सबसे पहले है कैश पेमेंट मेड टू एक्वायर मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, उसके बदले में कैश पे किया या लेबर को वेजेस पे किए, ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. देन कैश पेमेंट्स फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक पावर फ्यूल इंश्योरेंस ऑफ मटीरियल एंड स्टॉक एटसेट्रा. आप कैश पेमेंट कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जैसे कि पावर है, फ्यूल है, इंश्योरेंस है मटीरियल की, स्टॉक की, एटसेट्रा. देन कैश पेमेंट फॉर द सैलरीज, ये भी ऑपरेटिंग है, इंसेंटिव्स ये भी ऑपरेटिंग है, और एडमिन के खर्चे भी क्या है, सारे ऑपरेटिंग है. जब आप इनकी पेमेंट करोगे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या हो जाएंगे, माइनस. देन कैश पेमेंट टू मीट द टैक्स लाइबिलिटीज, आप टैक्स लाइबिलिटीज जो है उनको पे कर रहे हो, उसके बदले में भी क्या जा रहा है आपके बिजनेस में से, कैश, ठीक है जी. तो ये आपके कैश फ्लो के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश आउटफ्लो होंगे, ठीक है जी. सो ये कंसेप्ट्स में सिर्फ इतना सा ही पार्ट था, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, डायरेक्ट मेथड का बता दूंगा, ठीक है. सीए फाउंडेशन के लिए ये काम में आ सकता है, लेकिन प्लस टू सीबीएसई में ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है, जिनसे आपने सारे क्वेश्चंस जो है वो आगे करने हैं, ठीक है जी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके आपको. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.